पड़ा जिले के मागाम से सेना द्वारा गिरफ्तार किए गए लश्कर अंत की मोहम्मद अमीर ने एनआईए द्वारा की जा रही जांच के दौरान चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। कराची के रहने वाले अमीर ने ये जानकारी दी है कि पाकिस्तान स्थित मनसेरा मिलिटेंट ट्रेनिंग कैंप में उसे 17 अन्य आतंकियों के साथ एलईटी कमांडर अबू साद ने आतंकवाद की ट्रेनिंग दी है। कबाड़ की दुकान दोबारा मैंने चालू की, फिर वही जो दुकान चला रहा था जिसमें मुझे लॉस हुआ तो वो दुकान मेरी बंद हो गई। तो उसके बाद जो है कारी अमीन फिर एक दफ़ा चंदा लेने आया, मुझसे मिला तो उसने कहा कि आप दोरा आमा करने के लिए जाओ। तो मैंने कहा भाई मैं पहले से बहुत नुकसान में हूँ, मेरा पैसे वगैरह नहीं। उसने कहा मैं आपको पैसे दूंगा आने जाने का किराया और वहाँ का खर्चा। तो उसने मुझे 4,000 रुपये दिए और मुझे वहाँ से एक बस में बिठाया जो 24 घंटे के सफ़र करने के बाद मैं मानसेरा पहुँचा। और उसने मुझे एक लेटर दिया था कि ये वहाँ पर एक आपको हमाद नाम का आदमी मिलेगा जो मानसेरा अड्डे के ऊपर ही FIF के एक फाउंडेशन की एक दुकान दफ्तर जैसा होगा, आप उसमें चले जाना। तो मैं वो पर्चा लेकर जब मानसेरा पहुँचा तो मैं अड्डे के ऊपर उतरने के बाद मैं गया FIF का, देखा ढूंढी मुझे ढूंढने से वो मिल गई जगह। तो मैं उस दफ्तर में गया तो मैंने उन्हें वो लेटर दिया तो सामने एक मौलवी टाइप आदमी बैठा था जिसने वो पर्चा लिया, उसका नाम था हमाद। तो उसने मैं वहाँ पर कुछ देर रुका तो वो पर्चे में लिखा क्या था? पर्चे में लिखा था कि अस्सलाम वालेकुम हमाद भाई, ये आमिर भाई जो कराची से आए दोरामा करने के लिए, आप इनको कबूल करें इस तरफ में कारी अमीन, ये बात लिखी थी उसने। तो उसके बाद जो है ना उसने एक गाड़ी आई, फ़ोन किया उसने, गाड़ी आई जो गाड़ी हमें लेकर मानसेरा से तकरीबन 10 या 12 किलोमीटर दूर एक जगह थी जिसका नाम था गड़ी हबीबुल्ला। हमें वहाँ ले जाया गया, हम रोड पर हमें उतारा गया तो वहाँ पर एक अबू साद नाम का एक आदमी मौजूद था जो हमें लेकर जंगल की तरफ ऊपर टाप के ऊपर चलने लग गया। हम वहाँ पर पहुँचे तो मैंने देखा कि एक जगह पर किचन बना हुआ था, एक जगह में थोड़ी सी ग्राउंड उन्होंने जगह सीधी की थी, वो ये दोरा आमे का कैंप था लश्कर का। तो वहाँ पर जब हम गए तो ये एक जगह में मस्जिद थी जहाँ थोड़ा छोटा जैसा ग्राउंड था, एक जगह में दफ्तर था। तो वहाँ पर हमारी जो ट्रेनिंग करने की रूटीन थी वो ये थी कि हमें सुबह नमाज के बाद कुरान मजीद की तबलीग दी जाती जिसमें हमें जो पोजिशनें सिखाई गई कि जो है कैसे पोजिशन बनानी है क्राशन की, और हमें AK-47 की खोल जोड़, ये चीज़ें हमें सिखाई गई। और वहाँ का जो मेन ट्रेनर था जो हमें ट्रेन करता था उसका नाम था अबू साद। और हम मैं जब 21 दिन की ट्रेनिंग पूरी हुई तो मैं 15 दिन तक वहाँ पर मजीद रहा, मैं वहाँ पर खिदमत करता रहा। क्या खिदमत करते थे? मतलब खिदमत में ये करता कि वहाँ पर खाना वगैरह बना देना और खाना वगैरह लगा देना, ये खिदमत करता था। और कितने लड़के तुम्हारे साथ? और मतलब 18 लड़के और थे मेरे समय। उनके नाम मुझे नहीं याद सर।